नमस्कार, मैं हूं शुभांश खन्ना और आप देख रहे हैं मनी लाइन झटपट। हर आदमी अपने मुश्किल समय या फिर रिटायरमेंट के लिए किसी न किसी तरह से बचत करता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब बचा कर रखा गया अपना पैसा मिलने में ही दिक्कत हो। शायद लोगों को इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने NPS अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने की समय अवधि को T+4 से घटाकर अब T+2 कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि टी क्या होता है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। टी का मतलब उस दिन से है जब धन निकासी का आवेदन को नोडल ऑफिसर या सब्सक्राइबर्स ऑथेंटिकेट करता है। इसके अगले 2 कार्य दिवसों के भीतर पैसा खाता धारक के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। धन निकासी आवेदन ऑथराइज होते ही उनका सेटलमेंट T+2 के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब NPS खाता धारक को पैसा निकालने का आवेदन देने और उसके ऑथराइज होने के 3 दिन के भीतर रकम मिल जाएगी। पहले इसमें आवेदन स्वीकार होने के बाद 4 दिन का समय लगता था, लेकिन PFRDA ने कहा कि अन्य ट्रांजैक्शन के लिए भी समय अवधि को घटाया जाएगा और इसे फेज वाइज तरीके से लागू किया जाएगा। NPS निवेशकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटा है, इसलिए सब्सक्राइबर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए विभिन्न ट्रांजैक्शन की समय सीमा घटाई गई है। प्रोटीएन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़े सब्सक्राइबर्स अगर सुबह 10:30 बजे तक धन निकासी के लिए आवेदन देते हैं तो उनका सेटलमेंट 2 दिन में किया जाएगा। इसी तरह कैफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और कैम्प्स से जुड़े सब्सक्राइबर सुबह 11 बजे तक अपना आवेदन देते हैं तो उन्हें भी 2 दिन में पैसा मिल जाएगा। सब्सक्राइबर्स प्री मैच्योर एग्जिट, मौत होने पर एग्जिट, एन्युटी विड्रॉल, Tier 2 विड्रॉल, आंशिक विड्रॉल, स्कीम चेंज, रीबैलेंसिंग, PFM चेंज रिक्वेस्ट, वन वे स्विच, इंटर सेक्टर चेंज और ERM जैसी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आई होगी और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।